नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 33 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारत और जर्मनी के बीच संबंधों की यात्रा की प्रशंसा की। इस मौके पर जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने हिंदी में स्पीच दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत के साथ जर्मनी के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि श्रीनगर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा? जी हां, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि श्रीनगर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा हो रही है। हालांकि बिहारी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि लाल चौक भारत के खिलाफ कश्मीर के अलगाववादी मंसूबों और देश विरोधी साजिशों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन मोदी सरकार के कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद यहाँ की फिजा बदल गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने यहां भारत के आसियान और पूर्वी एशिया के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। वह सिंगापुर में नव निर्वाचित राष्ट्रपति थर्मन सन्मुगरत्नम एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के अवसर पर तलाशेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। शासन भर्ती व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भर्ती के लिए अब 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे युवक आवेदन नहीं कर सकेंगे। उच्च डिग्री धारक युवा इसके लिए अयोग्य होंगे। यही नहीं, एक जैसा काम करने वालों का पदनाम, शैक्षणिक योग्यता के साथ मानदेय भी तय किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन के क्षेत्र में कई अहम और बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा परिवर्तन बोर्ड परीक्षाओं में होने जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल हाल ही में अपडेट आई थी कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसका आशय यह है कि अब तक साल में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को समाप्त करके अब वर्ष में 2 बार 10वीं और 12वीं के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली NCR को जिस रैपिड रेल का पिछले कई सालों से इंतजार था, वह अब पटरी पर दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार साहिबाबाद में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आम लोग शनिवार से इसमें सफर कर सकेंगे। उद्घाटन से ठीक पहले इसका नया नामकरण भी कर दिया गया है। देश की पहली मिनी बुलेट ट्रेन को अब नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली मेरठ के बीच इस रूट पर अभी ट्रेन 17 किलोमीटर ही दौड़ेगी। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 5 स्टेशन को लेकर होगा। नमो भारत रैपिड रेल की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हालांकि अभी इसे अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। ट्रेन की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। भारत में खुदरा महंगाई अब धीरे धीरे नियंत्रित होने लगा है। देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक लेख में संभावना जताई है कि खुदरा महंगाई जुलाई में अंतिम उच्चतम स्तर पर से सितंबर में धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। RBI ने अपने लेख में कहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में जुलाई के अपने उच्च स्तर से नीचे आ चुकी है, जिससे वृहद आर्थिक बुनियाद मजबूत हुई है। तीसरी तिमाही से वैश्विक वृद्धि अपनी रफ्तार गंवा चुकी है। RBI के प्रमुख आंकड़ों से पता चलता है कि भारत व्यापक आधार पर गति पकड़ रहा है। इसमें कहा गया है कि उच्च क्षमता उपयोग से भारी पूंजीगत उद्योगों को पकड़ने में मदद मिली है। फिल्म हीरो के साथ ही लोकेश कनकराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स का आधिकारिक ऐलान हो गया है। फिल्म में थलापति विजय के स्वैग को फैंस पसंद कर रहे हैं और खूब तारीफें कर रहे हैं। हालांकि ट्विटर पर फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बम्पर कमाई की है और 2023 में वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी ओपनिंग वाली इंडियन फिल्म भी बन गई है। इसके साथ ही लियो ने कुल 6 बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने गगनयान मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और आज उड़ान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय रॉकेट के क्रू एस्केप सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए शनिवार को पहले उड़ान परीक्षण वाहन एयरबॉट मिशन 1 की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि न तो ईडी को असीमित ताकत मिली हुई है और न ही उसके अधिकारियों के पास अपनी इच्छानुसार गिरफ्तारी का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने को लेकर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति है, लेकिन अनियंत्रित शक्ति नहीं है। कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया है। साथ ही अपने नागरिकों के लिए कनाडा विरोधी विरोध प्रदर्शन और धमकी की चेतावनी भी जारी की है। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भारत के अल्टीमेटम के कारण की राजनयिक वापस लौट रहा है। अगर वे शुक्रवार के बाद भारत में रुके तो उनकी मिली राजनीतिक छूट छीन ली जाएगी। साथ ही उन्होंने अपने नागरिकों को यह भी सूचित करने के लिए कहा कि बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में कनाडा के महावाणिज्य दूतावास अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगे। कनाडाई नागरिक नई दिल्ली स्थित दूतावास से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बार फिर मुश्किलों में है। मैच फिक्सिंग का दंश झेल चुके अजहरुद्दीन समेत हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। पूर्व कप्तान समेत कई अधिकारियों पर एसोसिएशन के पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। यह जानकारी हैदराबाद पुलिस की ओर से दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड कप 2023 के 17वें मुकाबले में भारत ने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए जीत का चौका लगाया। टीम इंडिया के इस जीत में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक जड़ाव अहम भूमिका निभाई। कोहली 97 गेंदों पर 6 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ 103 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि मैच के दौरान अंपायर के एक फैसले पर बवाल मच गया। इस फैसले से क्रिकेट की दुनिया दो भागों में बढ़ गई। एक शायद यह कह रही है कि अंपायर ने गलत फैसला सुनाकर कोहली को शतक पूरा करने में मदद की, वहीं दूसरा पक्ष यह इस फैसले को सही ठहरा रहा है। शिक्षा विभाग शिक्षक नियुक्ति का एक और चरण फिर से शुरू करने जा रहा है। स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले फेज में करीब 1.10 लाख के आसपास नियुक्तियां संभव है। शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग से बची रिक्तियों की जानकारी मांगने जा रहा है। इसके बाद तय होगा कि असल में किस विषय में कितनी नियुक्तियां करनी है। हालांकि यह तय है कि जल्द ही शुरू होने जा रहे शिक्षक नियोजन में सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से जुड़ी होगी। अगले चरण की नियुक्ति की अधियाचना पूरी तरह विषयवार रिजल्ट आने के बाद भेजी जाएगी। भारत ने एक बार फिर से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति अपना विरोध दोहराया। भारत के ये विरोध ऐसे समय में आया है जब मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भाग लेने वाले देशों के विकास में बीजिंग के प्रमुख बुनियादी ढांचे कार्यक्रम की तारीफ की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भारत द्वारा मालदीव को प्रदान की गई सुरक्षा और विकास सहायता का जिक्र करते हुए एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मालदीव के साथ भारत पक्ष का सहयोग साझा चुनौतियों और प्राथमिकताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करने में आधारित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर स्लीप मोड में है, लेकिन इसके फिर से एक्टिव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी इस बात से भली भांति अवगत है कि रोवर और लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सुप्त अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग था और उसके बाद अगले 14 दिन तक प्रयोग किए गए और सभी जरूरी आंकड़े एकत्र कर लिए गए। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एसटीएम 9 अभिषेक कुमार जज द्वारा बेल खारिज किए जाने के बाद अब जिला जज के यहां जमानत के लिए अपील की जाएगी। इस बीच सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायालय का मामला है, इसलिए टिप्पा टिप्पणी से बचना चाहिए। गोपालगंज से मां थावे दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सहानुभूति के तौर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने की बात से भी किनारा कर लिया। फ्लाइंग बेस्ट के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा ने दावा किया है कि वह एयर एशिया के सीईओ से अधिक पैसे कमाते हैं। एयर एशिया ने कुछ साल उनके पहले उनको नौकरी से निकाल दिया था। राज सामानिक के साथ एक साक्षात्कार में तनेजा ने यह दावा किया है। प्रसिद्ध यूट्यूबर गौरव तनेजा कभी एयर एशिया में पायलट थे। उनको कंपनी ने जून 2020 में सुरक्षा मानदंडों के मामले में कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था। उन्होंने दावा किया कि कम लागत वाली एयरलाइन ने अपने पायलटों को खतरनाक तरीकों से लैंडिंग करने के लिए कहा था, जिससे यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया गया था। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद बिगड़े भारत और कनाडा के संबंध के बीच कनाडा की सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत में तैनात उसके 41 राजनयिक अपने वतन वापस लौट गए हैं। हालांकि किस अभी भी नई दिल्ली में ही रहेंगे। आपको बता दें कि भारत ने कनाडा की सरकार को अपने दूतावासों में अधिकारियों की संख्या कम करने के लिए कहा था। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच में अभी विवाद बढ़ने की संभावना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि हमास और रूस दोनों लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हैं। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और इसराइल को अमेरिका के हितों के लिए महत्वपूर्ण बताया और दोनों देशों को सहायता देने पर बात की। बाइडेन ने कहा हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी मंशा एक जैसी है, दोनों अपने पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि वह अपनी पार्टी के राजनीतिक आंका है, वह अपने अहंकार के कारण ही अमेठी में हार गए। यह वह सीट थी जो पिछले 4 दशकों से उनके परिवार की गढ़ थी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक न्यूज कॉन्क्लेव में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह वही विपक्षी गठबंधन है जिसे उन्होंने 2019 में उन्होंने मुकाबला किया था जब राहुल गांधी को हराया था। ईरानी ने यह जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया कि भाजपा केरल में एक भी सीट जीतने में क्यों अक्षम है और सीट जीतने के लिए क्या वह राहुल गांधी से यहां मुकाबला करेगी। बीते 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला गया। इस मैच के ऊपरी पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई थी और इस मैच ने कई मायनों में नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मैच की व्यवस्था को लेकर मेजबान के ऊपर खुश नहीं दिखा और उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से इस मैच को लेकर शिकायत कर दी है।
रियल एस्टेट कारोबारी निरंजन हीरा नंदानी के बेटे दर्शन हीरा नंदानी तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े सवाल के बदले कैश गिफ्ट विवाद में सरकारी गवाह बन गए हैं और दावा किया है कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए राज्यसभा सांसद के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मोइत्रा के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के गंभीर आरोपों के साथ एक शिकायत सौंपी थी। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 33 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेख और जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारत और जर्मनी के बीच संबंधों की यात्रा की प्रशंसा की। इस मौके पर जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने हिंदी में स्पीच दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत के साथ जर्मनी के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे। देश भर के सीबीएसई स्कूलों पर अब ये तीसरी आंख निगरानी रखने वाली है। शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश के 28,000 स्कूलों 12.5 लाख शिक्षक और 3.45 करोड़ छात्रों पर निगरानी रखने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका नाम सारांश है। न्यूज 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीएसई के आईटी डायरेक्टर अंतरिक्ष जौहरी ने बताया कि सॉफ्टवेयर का नाम सागर से सारांश रखा गया है। जैसे सागर से मोती को ढूंढा जाता है, ऐसे ही पूरे देश के स्कूलों और बच्चों के प्रदर्शन का अब मूल्यांकन इस सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने पटना एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर विकास के लिए 27 एकड़ जमीन देगी। सीएम ने बताया कि एम्स की दी जाने वाली जमीन की कुल कीमत 330 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा सीएम ने मरीजों के परिजनों के लिए 248 बेड का धर्मशाला बनाने का भी ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सामूहिक विकास के हथियारों से जुड़े संभावित खतरों पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, भारत ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रयासों को मजबूत करने का भी आह्वान किया है। यह चिंता संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी राजदूत रुजिरा कम्बोज ने व्यक्त की। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट कमेटी में सामूहिक विनाश के अन्य हथियार विषय पर बहस के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हुए करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। इस दौरान सभी टीमें लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। सभी टीमों की यही कोशिश है कि वह किसी भी तरह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ले। हालांकि ऐसा कर पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें खुलासा किया गया है कि वर्ल्ड कप के मैचों से सुपर ओवर को हटा दिया गया है। दुहाई से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन भले ही 2024-25 में दौड़नी शुरू होगी, लेकिन पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने से इस पूरे मार्ग के आसपास रियल एस्टेट कारोबार का भी नई रफ्तार मिलेगी। जीडीए ने रैपिड एक्स ट्रेनों के सभी स्टेशनों के आसपास 1.5 किलोमीटर की परिधि में टीओडी क्षेत्र घोषित किए हैं। इस क्षेत्र में मिश्रित भू उपयोग को मंजूरी मिल सकेगी। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ननु गोलू कुमार, मोहम्मद फहीम, पार्वती रॉय, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद शहीद, परमात्मा सिंह, नौशद अंसारी, भान प्रकाश मौर्य। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वंदे भारत एक्सप्रेस पर आपने अब तक सफर किया है या नहीं? अगर किया है तो अपना अनुभव बताएं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।